नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसी वीडियोस हम आपको डाल रहे हैं जिसमें इस वीडियो में आप कुछ जो सबसे प्रसिद्ध और फेमस गाने होंगे इनको आप आसानी से एक ही वीडियो से सभी गानों को बजा सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं और ये आप अपने कॉपी में पॉज दे करके दोनों पेज पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद आपको हम बजाना बता रहे हैं। हो गए दोस्तों। सबसे पहले आपको वीडियो में शुरुआत में आपको दिखाया गया होगा घोड़ा ताल। कहरवा का ही एक प्रकार होता है जिसको घोड़ा ताल बोलते हैं। आप तबले पर देखेंगे कैसे इसको बजाते हैं, तो आप देखेंगे धीमी बजाना आपको आता है। धी तो हाथ थोड़ा थोड़ा सा आगे की ओर करके ऐसे बजाएंगे धी, और किनारे धा, फिर धी ता, तो बजाएंगे धिन धा धिन ता धिन धा धिन ता, फिर ती धा धिन धा। अब इसको घोड़ा ताल बजाने को जब तैयार आप कर लेंगे तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनको आप बजा सकते हैं, जैसे धिन धा धिन धा धिन धा धिन धा धिन धा धिन। तो ध्यान से देखेंगे धिन धा धिन धा धिन धा धिन धा, तो जो अंत में धा है धा लास्ट वाला उसको धीरे से बजाएंगे, जैसे धिन धा 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 धिन धा। अब इसको बढ़िया से तैयार करने के लिए धिन को आगे की ओर कसना होता है और धा को पीछे की ओर खींचना होता है। धिन धा धिन धा धिन धा धिन धा ऐसे बजाएंगे तो जैसे गाना बजेगा, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई। अब इसको आप तैयार करेंगे तो धिंधा 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 धिंधा, बहुत सारे गाने हैं जैसे हम तेरे शहर में आए की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अब इसको आप घोड़ा ताल है ये कहरवे में ही आता है। अब इस पर बहुत सारे गाने हैं जो आप बजा सकते हैं। इसके बाद कहरवा में और भी कुछ गाने हैं जिनको हम आपको दिखा रहे हैं, इधर ध्यान देंगे। तो अब इसके बाद आपको कॉपी में लग्गी लिखा हुआ है, जब लग्गी लिखा है तो लग्गी को धा तीन धा तीन धा तीन धा तीन, तो लग्गी में आपको बताए हैं धा धिन ता धिन धा धिन, इस तरह से धा धिन ता धिन ता धिन। तो क्या करेंगे, तबले में इस लग्गी को बजाने के लिए आप धीन के लिए और तीन के लिए इसका प्रयोग करेंगे, धा तीन ता तीन ऐसे धा तीन ता तीन ता तीन। तो तीन आप इस अंगुली से तीन मारेंगे और ता इससे, और धीन के लिए भी इसी का प्रयोग करेंगे, तो धा तीन ता तीन ता तीन। तो जैसे कोई गाना बजा रहे हैं आप तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बेसिक कहरवा आपको पहले हम बता दिए हैं, यही आइए ना क्लोज, कहाँ जा रहे हैं। जैसे बेसिक कहरवा आपको बताए हैं कि धीति धाति ना गति ना धीति धाति ना गति ना, तो कोई हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा लग रहा है। इस तरह से धाधिन 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 आप इसमें लग्गी बजाएंगे, यही लग्गी होती है कि थोड़ा सा अंतर करके धाधिन 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 धाधिन। उसके बाद लास्ट में हम आपको
उड़ान लिखवाए हैं इसके बाद कहरवे में ही। तो धा के बाद तीन मात्रा आप खाली छोड़ देंगे, जैसे दा आ न, फिर न गे, तो गे और घी दोनों एक ही तरह से मारेंगे, गे घी न। तो आप देख रहे हैं धा आ न गे घी न। तो आप ध्यान देंगे दोनों हाथों पर कि धा आ, तो धा आ न, ये न लगा लेंगे। इस अंगुली से तो बजाना थोड़ा कठिन है, बेसिकली यही सही होता है और ये भी सही है, लेकिन इस अंगुली से बजाने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो धा आ न गे घी न, धा आ न गे घी न, लेकिन इससे बजाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो धा आ न गे घी न, धा आ न गे घी न, धा आ न गे घी न, धा आ न गे घी न। तो इस तरह से तैयार करेंगे, जैसे कहरवा में ही बज रहा है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। अब उड़ान बजाने के लिए, दर पे सुदामा गरीबा गया है। तो जो अगर आपकी तैयारी है तो एक ही अंगुली से बजाएंगे, धा न के धा एक अंगुली से नहीं तैयार हुआ तो दोनों अंगुली से आप बजा सकते हैं, धा आ न न के घी न, धा आ न न के घी न, धा न न के धा न न के धा न के धा न। इसके बाद उठान लिखा हुआ है आपने, तो इसके साथ देखिए त त की त तान कीट, यही बजाना है। तो त कीट तान कीट, तो ता के साथ इसको भी मारेंगे को भी, तो तकिट कान कीट बजा देंगे, ना कि तान कीट। तो आप देखेंगे तकिट तान कीट, तो तकिट तकिट तान मेहनत करेंगे। इसके बाद आता है दूसरा ताल। जैसे एक ही गाने एक ही वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि इन सब चीजों को सीख जाएंगे जो मेन मेन है, तो लगभग आप 90% से ज्यादा गाने बजा सकते हैं। तो अगला ताल आपको दिए हुए हैं दीप चंदी ताल, जिसमें आप देखेंगे कैसे बजेगा दीप चंदी ताल। तो धा धिन धा घे तिन ता धिन धा घे धिन। तो आप देखेंगे धा धिन धा के धिन ता धिन धा के धिन। तो इसको अभ्यास करेंगे खूब, तो धा धिन धा के धिन ता धिन धा के धिन ता धिन धा के धिन ता धिन धा के। तो जब बढ़िया से तैयारी कर लेंगे तो लय बढ़ जाएगी। आप दीप चंदीप में भी जितने भी गाने बजे हैं सब बजा सकते हैं। अगला ताल जो बहुत ज्यादा फेमस है वह आप देख सकते हैं, दादरा ताल है। तो दादरा का बोल होता है,
धा धी कान धा धी ना, जैसा कि बेसिक दादरा धा धी ना धा धी ना होता है, धा धी ना धा धी ना धा धी ना धा धी। लेकिन आजकल लाइट म्यूजिक में जो भी गाने बजाए जा रहे हैं वो या लाइट म्यूजिक में कुछ इसका प्रकार बचता है, तो आप देखेंगे कैसे बचेगा ये, आप वीडियो में देख सकते हैं। धा धी प्राण, तो धा धी प अड़ान, तो एक साथ प्राण मारना है, तो प्राण पहले ये और ये थोड़े से अंतराल में, धा धी प्राण फिर धा धी ना, तो देखेंगे धा धी प्राण धा धी ना, तो इसका अभ्यास करेंगे। धा धी प्राण धा धी इस तरह से, इस तरह से होता क्या है कि आप धा धी क्रम धा धी ना बजा रहे हैं। दगा बाजरे हाय दगा बाजरे तोरे नैना बड़े दगा बाजरे, धा धी क्रम धा धी ना, कल मिले कल मिले हाय कल मिले कि हम तो भूल गए, में इस गाने के लिए तो पर्टिकुलर तक 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 क्रिकेट तक प्राण, तो तक 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 क्रिकेट तक प्राण धाधी क्रम धाधी ना, ये दादरे का और भी उठान है तक क्रिकेट तक प्राण, हमने लिखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं पहले वाले वीडियो में ही, तो आप देख सकते हैं तक तक क्रिकेट तक प्राण, तो तक क्रिकेट तक प्राण आप अभ्यास करेंगे तक क्रिकेट तक प्राण धाधी। तो दादरा में सबसे पहले एक धीमे चाल का दादरा लिखा हुआ है, उसको भी आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि कुछ गाने उस ताल में भी होते हैं, इसलिए आपको देख रहे हैं कि धित धिन नाना धित धिन नाना धित धिन नाना, तो धित धी ये अंगुली धी ट धी नाना, फिर तीट धी नाना, तो तीट की जगह बजता है तिग धिन नाना तिग, तो गौ को हल्का सा मारेंगे तिग धिन नाना धित धिन नाना तिग धिन नाना धित धिन नाना धिन, तो जब गाएंगे ठाड़ी रहियो ओ बाके यार रे ठाड़ी, इस तरह के जो स्लो गाने हैं वो आप बजा सकते हैं, और अंत में एक और ताल है जिस पर कुछ गाने आजकल आ रहे हैं, तो रूपक ताल जो सात मात्रे का होता है, तो आप देखेंगे ती ती नाना ती ती नाना फिर धी धी नाना धी धी नाना, तो ती के लिए ये भी लगाएंगे, आप को लगाएंगे ती ती नाना फिर धी धी नाना धी धी नाना, तो ऐसे अभ्यास करेंगे ती ती नाना धी धी नाना। कोई भी जैसे गाना है आजकल इसमें बहुत गाने हैं, धूम तुम नाना दीरी नाना दीरी नाना धूम तुम नाना दीरी नाना दीरी ना, ये हौसला कैसे झुके ये आरजू कैसे रुके, बहुत सारे गाने जैसे चुपके 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 किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर, तो ती ती नाना दीदी नाना दीदी नाना, तो ये रहा। और जितनी चीज मैंने आपको बजाने को बताया ये सारी चीजों को भी इस वीडियो के शुरुआत में ही पूरा लिरिक्स आपको मिल जाएगा, पूरे नोट्स मिल जाएंगे, सारे बोल मिल जाएंगे,
कहरवा, जिसमें कहरवा में घोड़ा ताल आपको बताए पहले, दिन इसकी लगी बता दिए, फिर उसके बाद उड़ान बता दिए, फिर उठान इसका बता दिए, फिर दीपचंदी बता दिया आपको, कि जैसे हुस्न पहाड़ों का बहुत सारे गाने हैं, फिर दादरा बता दिए, दादरा का स्लो, धिट धिन नाना धिट धिन नाना धिट धिन नाना धिट धिन नाना, फिर लय के लिए, लय वाले गाने के लिए, कि जैसे डम डम दिगा दिगा मौसम घिगा घिगा, उठान भी लिखवा दिए। उसके बाद आपको रूपक ताल बता दिए हैं, इस तरह से आप पूरा, ये अगर वीडियो पूरा देखकर इस वीडियो को पूरा तैयार कर लेंगे तो आपको अलग से एक्स्ट्रा, अगर जैसे कहरवे के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारी लगियां हैं, दादरे के बहुत सारे लगियां लड़ियां हैं, उठान हैं, और रूपक के भी, तो उनको सीखने के लिए आप चैप्टर वाइज नाद संगीत को देख सकते हैं और अपने कमेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 90% से ज्यादा गाने इस वीडियो को देखकर तैयार करके बजा सकते हैं। यही है कि अलग अलग जो ताल है, जैसे दीप ती ना ती ना दी ती ना, तो कभी कोई गाना स्लो है तो उस पर स्लो बजेगा, कोई गाना फास्ट है तो फास्ट बजेगा, लेकिन ताल वही रहेगा। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को तैयार करें और अपने कमेंट भी हमें दें। थैंक यू, आज के वीडियो में यही, आप इसको पूरा देखेंगे, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।